Standard 8, subject Hindi, part 3, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। मैंने पार्ट को तुम लोगों को कम्प्लीटली समझा दिया है, आज उसके आंसर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए, शॉर्ट में है जो प्रश्न तुम लोगों को तैयार करने हैं, तो ध्यान दीजिए। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा है। आप लोगों को ये पूरी तरह याद रखना है, एकदम इजी आंसर क्वेश्चन है। कल्पना चावला किस प्रांत की थी? कल्पना चावला हरियाणा प्रांत की थी। सुनीता विलियम्स के पिता का नाम क्या है? सुनीता विलियम्स के पिता का नाम दीपक भाई पंड्या है। सुनीता आज किस जगह पर कार्यरत है? सुनीता आज नासा में कार्यरत है। तो ये तुम्हारे आंसर क्वेश्चन है जो आप लोगों को शॉर्ट में तो तुरंत याद रह जाएंगे, तो आपको लर्न करके कम्प्लीटली नोटबुक में लिखना है। आगे के एमसीक्यू है जो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, तो आप लोग ये समझ लीजिए। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स पाठ के लेखक कौन है? तो कोकिला पारेख, डॉक्टर कोकिला पारेख। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स पाठ का साहित्य का प्रकार बताइए, तो जीवनी। सुनीता विलियम्स को विश्व की क्या कहते हैं? बेटी कहते हैं बेटा, वैज्ञानिक की बहन, तो उसको क्या कहते हैं? बेटी कहते हैं। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का सम्मान किसे मिला है? तो कल्पना चावला को। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा। सुनीता विलियम्स के पिता का नाम क्या था? तो सुनीता विलियम्स के पिता का नाम दीपक भाई पंड्या है। तो ये तुम्हारे थो एमसीक्यू है। क्या है एमसीक्यू? थोड़ा ग्रामर का भी आप लोगों को साथ साथ में समझा देती हूँ, तो आप ध्यान दीजिए। थोड़े ऑपोजिट वर्ड से जो आप लोगों को समझा देती हूँ। अनुकूल, प्रतिकूल, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उचित, अनुचित, उपस्थित, अनुपस्थित, शिक्षित, अंतरिक्ष, अशिक्षित, अनुज, अग्रज, इच्छा, अनिच्छा, उन्नति, अवनति, दृढ़, विचलित, सफलता, निष्फलता। निम्नलिखित शब्दों के एक ज्यादा अर्थ दीजिए, कि हमें क्या करना है? ज्यादा अर्थ देने हैं। उद्देश्य तो लक्ष्य, ध्येय, इरादा, मकसद, अभिदृष्टि, ये सब उसके और शब्द है। कर्म, कार्य, कर्म को हम कार्य, काज, कृत्य, काम, ये सब बोल सकते हैं। है दुनिया, दुनिया के और शब्द क्या क्या है? विश्व, संसार, जगत, जग, लोग। पृथ्वी, पृथ्वी को हम वसुधा कहेंगे, धरती, भू, धरा, धरणी, अवनी, ये सब उसके शब्द है। फूल, कुसुम, पुष्प, सुमन, प्रसुम। यश, तो कीर्ति, ख्याति, प्रसिद्धि। रात्रि, रात्रि को हम निशा, रजनी, यामा, निशी, यामिनी, विभावरी, ये सब कह सकते हैं। समुद्र, तो जल्दी, सागर, सिंधु, वारिधि, पयोधि, ये सब समुद्र के और नाम है। सूर्य, सूर्य को हम दीपक, भास्कर, रवि, सूरज, दिवाकर, दिनेश, भानु, ये सब कह सकते हैं। स्त्री, तो उसको नारी, महिला, अबला, कांता, रमणी, कामिनी, वामा, वनिता, ये सब कह सकते हैं। तो ये उसके और शब्द है जो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब लिंग परिवर्तन ग्रामर में समझ लो। साधु, तो साध्वी, युवक, युवती, बूढ़ा, बुढ़िया, मजदूर, मजदूरियन, ठाकुर, ठकुराइन, सम्राट, सम्राग्नि, वर, वधू, प्रिय, प्रियता, श्रीमान, श्रीमती। तो ये सारे तुम्हारे ग्रामर है, ये सब तुम लोगों को नोटबुक में कम्प्लीटली लिख लेना है। ओके, थैंक यू।